राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, मेरी बस की जर्नी स्टार्ट हो गई है। मैं जा रही हूँ बनारस टू जयपुर और यहाँ पे मेरा देखिए बस का कुछ इस तरीके से व्यू है। यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्लीपर बस में, और इसमें देखिए चेयर भी है आगे में और पीछे बगल में सारी सीट्स भी हैं। जिसको स्लीपर चाहिए तो अपना ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने इसमें बैठी हूँ और थोड़ा सा बस का व्यू आप लोगों से शेयर कर रही थी। और अभी देखिए मेरी बस जो है वो चलने को एकदम तैयार है। सारे पैसेंजर्स आ रहे हैं, अपना अपना सीट पे बैठ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बैठते ही मैंने जैसे ही बस थोड़ी सी हिली है, मैंने यहाँ पे अपनी वॉमिटिंग की जो टेबलेट मुझे पांडे जी ने लेके दी है वो ले ली है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की दिक्कत है। और ये बस तो एकदम एसी है, बंद है, चारों तरफ से वॉमिटिंग आई तो मैं क्या करूँगी। इसके लिए अभी मैं जर्नी शुरू होने से पहले ही एक गोली निकाल के इसमें से दबा दे रही हूँ, मतलब खा ले रही हूँ, और ताकि मुझे थोड़ा सा भी एहसास भी ना भी हो वॉमिटिंग का। सो इसलिए मैंने एक इसमें से टेबलेट निकाल के खा रही हूँ। और चलिए अपना जर्नी शुरू करते हैं। बस का जर्नी मैंने शुरू तो कर लिया ट्रेन नहीं मिलने की वजह से, बट लग रहा है कि अच्छे अच्छे से बस पूरा हो जाए, क्योंकि बस में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो अभी हम लोग बनारस से निकल रहे हैं और स्टैंड से, तो पांडे जी अभी मुझे छोड़ के टाटा बाय बाय करके चले गए हैं और हमारी बस जो है वो अब निकल रही है बनारस से। सो चलिए हमारी जर्नी शुरू हो गई है। तो देखिए कुछ इस तरीके से बाहर का व्यू था, थोड़ा सा मैंने बाहर का व्यू शूट कर लिया बनारस का, और अब हमारी जर्नी शुरू हो रही है। तो पांडे जी भी चले गए हैं और बोले कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से जाओ। अब मैं बस में तो ऐसी कोई बात नहीं है टेंशन की, बट वही है कि बस मेरी हेल्थ ठीक रहे, ख़राब ना हो। सो दोस्तों अभी क्या है कि थोड़ा देर बैठने के बाद मैं सो गई थी, एक नैप ले लिया मैंने। बस में बैठते ही जैसे 10-15 मिनट मैंने थोड़ा देर बाहर से व्यू वगैरह देखा, उसके बाद मैं सो गई। सो के अभी उठी हूँ और उठने के बाद मुझे थोड़ी सी भूख जैसी फील हुई, सो मैं अपना खाना निकाल के बैठ गई हूँ, जो मैं घर से बीन्स की सब्ज़ी और पूरी लेके आई थी। सो मैंने अपना खाना निकाल लिया है और अपना थोड़ा सा खाना अभी सोचा मैंने कि खा लेती हूँ, फिर बाद में भूख लगेगी रात में डिनर करूँगी। सो मैंने इसमें से 2-4 पूड़ी खाई थी। और फ्रेंड्स आप लोग मानोगे नहीं, ये खाना खाने के बाद ही मैं पूरे सफ़र में ऐसे ही रही, क्योंकि मुझे इसके बाद लगा एकदम वॉमिटिंग जैसा फील होने, और बस मैं अपना मन और मुंह दबा के बैठी हुई थी बस पूरे रास्ते। सो हुआ क्या कि जैसे ही मतलब बस चलती है ना, तो मेरे पेट में गुड़गुड़ सी होने लगती है, अजीब सा होने लगता है, प्रॉब्लम होती है मुझे बस में। तो भूख इस समय लगी थी, सो के एक नैप लेके उठी थी, तो भूख जैसा फील हुआ तो मैंने निकाल के 2-3 पूड़ी खा ली थी। उसके बाद में मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, और खाते समय तो अच्छा लगा था, उसके बाद में बस में जो हिलाया है ना मेरे पेट में बस ने, कि मैं क्या ही बताऊं। और ये लीजिए, आप लोग भी मेरे साथ आ जाइए, अपना ये रास्ते का खाना एंजॉय करिए। और ये देखिए कुछ बाहर का व्यू जो है वो शूट कर लिया मैंने। सो अभी हम लोग 2 घंटे बाद लगभग प्रयागराज से थोड़ा सा पहले थे, प्रयागराज पहुंचने वाले थे। और रास्ते में इस समय मौसम बारिश वाला है ना दोस्तों, तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, खेतों में पानी भरा, धान के खेत, जिधर देखो उधर ही धान के खेत, इतनी हरियाली देख के आंखों को इतना सुकून मिल रहा है ना। जयपुर पहुंचने के बाद देखते हैं कैसा व्यू मिलता है वहाँ पे, क्योंकि वो तो पानी वाला एरिया, वैसे जयपुर में तो पानी बरसता है, बारिश होती है, तो उधर वाला थोड़ा हरियाली वाला एरिया होता है, डेजर्ट वाला एरिया नहीं है एकदम। जोधपुर साइड, बीकानेर साइड जो उधर डेजर्ट वाला एरिया, तो वहाँ पता नहीं ऐसा व्यू देखने को मिले ना मिले, बट जयपुर साइड में शायद मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होती है। सो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे लग रहे, हरे हरे फील्ड, हरे हरे खेत, बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुछ देर इस तरह से व्यू को एंजॉय किया मैंने खाना खाने के बाद में। फिर हमारी जो बस पहुँची प्रयागराज, और प्रयागराज में कुछ और पैसेंजर्स आए बस में, और बस पूरी तरीके से भर गई। उसके बाद हमारी जर्नी शुरू हुई, और ये जो बस है हमारी लखनऊ होते हुए गई थी जयपुर, तो लंबा रूट था, और 17 घंटे की मेरी ये जर्नी थी। 17 घंटे, 17 क्या 2 घंटे एक्स्ट्रा भैया ने लगा दिए थे, तो 17
ड्राइवर भैया ने। उन्नीस घंटे का मेरा पूरा जर्नी हो गया था और मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी। अभी मैं बैठी हूँ चुपचाप अपना मन दबा के कि बस मुझे वॉमिटिंग ना आए और मेरा जो खाना खाया है वो पच जाए। तो चलिए, अभी प्रयागराज आने वाला है। आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं। तो दोस्तों, प्रयागराज से चलने के बाद हमारी बस आ गई है। 2 घंटे बाद 8 बजे रुकी है एक ढाबे पर और ये शायद प्रतापगढ़ के आसपास का एरिया है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे हमारी बस रुक गई है, सारे पैसेंजर्स उतर के यहाँ पे ढाबे पे खाना खा रहे हैं। बस के ड्राइवर वगैरह सब लोग खाना खा रहे हैं। मैंने अपना खाना तो शाम को मतलब 3-4 बजे ही, अच्छा 3-4 कह रही हूँ, 6 बजे खा लिया था प्रयागराज से पहले ही। तो 3-4 पूड़ी खाई थी बट उसी में मेरा पेट भरा हुआ और ऐसा ना वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। तो मैंने कहा कि मैं ना ही खाऊं तो ही अच्छा है ताकि मेरा सफ़र अच्छे से गुजरे, नहीं तो रात में दिक्कत हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, अपना पूरा जो मेरा खाना बचा हुआ था पूड़ी सब्जी ऐसे ही रखा ही रह गया था। मैंने कहा बस अब चुपचाप ना एक हाजमोला का पैकेट ख़रीदा मैंने और उसमें से सिर्फ एक ही टेबलेट खाया मतलब, और एक ही गोली खाई और बस अपना बस में बैठी हूँ और उसके बाद चुपचाप सो गई। और इस समय मैं व्लॉगिंग कर रही थी तो आवाज़ पीछे का बहुत शोर आ रहा था रोड का, हाईवे का, तो मैंने इसलिए वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। यहाँ देखिए हाईवे सॉरी ढाबा पे जो बस रुकी हुई है तो सब लोग अपना डिनर वगैरह कर रहे हैं। और चलिए अपना बस दिखाती हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके से बस है मेरी और चलिए बस के अंदर चलते हैं। अभी सब लोग देखिए बस खाली है, सब लोग अभी खाना खाने में लगे हुए हैं और यहाँ पे देखिए सब पूरा बस अभी खाली है। मैं अपना जा रही हूँ अपने सीट पे बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे खाना पीना कुछ करना नहीं है, अपना चुपचाप बैठती हूँ। और इस समय मुझे लग रहा था कि बस कैसे ही मुझे नींद आ जाए और रात कट जाए, बस जर्नी मेरी रात वाली ख़त्म हो जाए, सुबह जो भी होगा देख लेंगे बट रात में कुछ नहीं होना चाहिए। चुपचाप आँखें मुँह दबा के मैं सो गई थी दोस्तों। 8 बजे जैसे ही बस 8:30 बजे जैसे ही बस चली थी मैं तुरंत सो गई थी। और रात भर जब भी बस इधर उधर कर रही थी ना, मतलब ऊपर नीचे सा हो रहा था तो मेरे पेट में गुड़गुड़ सी हो रही थी और रात में मतलब नींद खुल जा रही थी मेरी, फिर मैं चुपचाप सो जा रही थी मुँह दबा के। तो इस तरीके से करते करते सुबह हो गई और सुबह 4:30 या 5:45 बजे मेरी नींद खुली थी। फिर मैंने बस वॉशरूम के लिए भैया से बस रुकवाई और वॉशरूम करके आई, उसके बाद में फिर अभी बैठी हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ सीधे घर पे जाने के बाद ही कुछ भी होगा, तो ना तो मेरा ब्रश वगैरह हुआ है ना कुछ हुआ है, देखिए अभी नींद में ही लग रही हूँ मैं। सोच रही हूँ कि बस अब 9:30 बजे का टाइमिंग था हमारा पहुँचने का जयपुर का, तो बस जल्दी से 9:30 बजे और मैं पहुंच जाऊं। और इसके बाद एक नैप मैंने फिर ली थी 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक की, 1.5 घंटे की नैप और ली थी। फिर उसके बाद उठी तो बैठी ही रही और अपना देखती रही। रात में एसी बहुत ठंडा कर दिया था भैया ने, तो ब्लैंकेट ओढ़ लिया था और पहले सोचा था कि ये ब्लैंकेट नहीं ओढ़ूंगी, पता नहीं किसने ओढ़ा होगा, पर ठंड इतनी लगने लगी दोस्तों कि मैंने अपना दुपट्टा अंदर से लगा के ऊपर से ब्लैंकेट ओढ़ ही लिया था। यहाँ पे देखिए अभी सुबह हो गई है और मैं लगभग पहुँच गई हूँ मेहंदीपुर बालाजी, जो कि जयपुर से थोड़ा 1.5 घंटे पहले ही पड़ता है। तो मैं मेहंदीपुर बालाजी पहुँच चुकी हूँ और कुछ बाहर से इस तरीके का व्यू है। देखिए यहाँ पे भी बारिश हुई है और पानी वगैरह खेतों में देखिए लगा हुआ है, भरा हुआ है। और ये कुछ व्यू है उधर साइड का राजस्थान में। अब मैं एंटर कर चुकी हूँ। सुबह जब मैं उठी थी वॉशरूम के लिए उस समय हम आगरा पहुँचे हुए थे और अब लगभग 9:30 बजे हम लोग मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे हैं, जब हमारा टाइमिंग था जयपुर पहुँचने का। अभी जयपुर तो लग रहा है 1.5 घंटा 2 घंटा और लग जाएगा, यानी 10:30 बज जाएगा हमको जयपुर पहुँचने में। कुछ इस तरीका का बाहर का देखिए, इधर भी हरियाली है पर उतनी नहीं है, धान के खेत इधर नहीं है, इधर धान की खेती वगैरह बहुत कम ही होती है। यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ बस से उतरने के लिए क्योंकि हम पहुँचने वाले हैं तो थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। तो अपना सब मोबाइल वगैरह मैंने चार्ज वार्ज करके रख लिया।